IAS Mantra चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहे। नासा का कैपलर टेलीस्कोप डीकमीशन्ड या रिटायर कर दिया गया है, उसका इंजन खत्म होने पर है और उसको रिटायर कर दिया गया है, सेवा से बाहर कर दिया गया है। तो लिखेंगे कैपलर मिशन, दो लाइन जोड़ेंगे, नासा का कैपलर मिशन, कुछ बैकग्राउंड लिख लीजिएगा, नासा का कैपलर मिशन 2009 में लॉन्च किया गया था, फटाफट लिखेंगे स्पीड में, 2009 में लॉन्च हुआ था कैपलर मिशन, 2009 में लॉन्च हुआ था, अल्टीमेट गोल था सर्च ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना, इसका मुख्य उद्देश्य था एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना। क्या होते हैं एक्सोप्लैनेट्स? ऐसे ग्रह जो हमारे सोलर स्फीयर के बाहर हैं, हमारे सौरमंडल के बाहर हैं और अपने सूर्य का चक्कर, अपने स्टार का चक्कर लगाते हैं, है वो प्लैनेट लेकिन हमारे सौरमंडल के बाहर हैं। तो एक्सोप्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट जो हमारे सौरमंडल के बाहर हैं, हमारे सोलर स्फीयर के बाहर हैं लेकिन किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, किसी अपने स्टार का चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं उसकी, हमारे सौरमंडल के बाहर हैं और अपने ग्रह, अपने तारे के चारों चक्कर लगाते हैं, इसे कहते हैं एक्सोप्लैनेट। और ध्यान सुनिएगा, इस बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऐसे ग्रह जो हमारे सौरमंडल के बाहर हैं और अपने स्टार के चारों घूमते हैं, दैट मीन एक्सोप्लैनेट्स या बाहर ग्रह। लेकिन अगर वो अपने सूर्य, अपने स्टार से इतनी दूरी पर हैं कि वहाँ जीवन चल सके, वहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए पर्याप्त टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, पानी हो, वाटर वेपर हो, तो ऐसे को हम कहते हैं गोल्डिलॉक्स जोन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टार, उस सितारे का गोल्डिलॉक्स जोन। वो स्टार मान लीजिए कोई है, उसके चारों तरफ अगर कोई प्लैनेट घूम रहे हैं जहां पर तापमान इतना है कि वहां पर जीवन हो सकता है, तो ये इलाका कहलाएगा गोल्डिलॉक्स जोन। तो एक्सोप्लैनेट कोई भी ग्रह जो घूम रहा है चारों, वो ग्रह है तो एक्सोप्लैनेट है, यदि वहां जीवन संभव हो सकता है तो वो जोन कहलाएगा, कहलाएगा वो गोल्डिलॉक्स जोन। बस समझ आ रही है मुझे यहां पर, तो लिख लीजिएगा, इसका मेन काम था एक्सोप्लैनेट की खोज करना। अपने 9 साल के करियर में लगभग 4000 से ज्यादा खोज की एक्सोप्लैनेट्स की इसने, 3800 लगभग एक्सोप्लैनेट्स खोजे इसने, लगभग 4000 के आसपास खोज की है इसने एक्सोप्लैनेट्स की, 3800 के आसपास एक्सोप्लैनेट खोजे इसने केपलर ने। ओ भाई ये बात है, तो रिटायर हो गया, डीकमीशन हो गया, फिर खत्म हो गया इसका, खत्म कर दिया गया है। एक मिनट सुन लीजिए, कंटिन्यू करता हूँ बात को, यहाँ पर सवाल बनेगा जो उसके आगे वाला सवाल बनता है, अब वो समझ लीजिएगा। देखिए नासा ने ना आज से कुछ साल पहले लॉन्च किया था हबल को। पहले तो नासा काम करती थी जमीन के टेलीस्कोप से, यहाँ से देखते थे अंतरिक्ष को, दिख जाए हमें कुछ ग्रह व्रह, फिर हमने वो काम किया, फिर हमने स्पेस से भेजा 1990 में हबल को, 1990 में हबल गया पहले, उसका काम भी यही था कि ग्रहों की खोज करा जाए। फिर हमने स्पिट्जर लॉन्च किया 2000 के आसपास, वो काम अभी भी खोज कर रहा है यहाँ पर। 2009 में लॉन्च किया कैपलर, अभी डीकमीशन हो चुका है। इस साल मार्च महीने में लॉन्च किया था हम लोगों ने टेस्को, टेस्ट लॉन्च किया था नासा ने भी कुछ दिनों पहले, इसका काम क्या है, वो कैपलर का स्थान लेने के लिए गया है, कैपलर का काम वो करेगा टेस्ट, और कुछ दिनों बाद हम लॉन्च करने वाले हैं डब्ल्यू फर्स्ट और बाकी मिशन को, तो जेम्स वेब जब लॉन्च होगा तब होगा। हाल फिलहाल टेस्ट अभी लॉन्च किया गया कुछ दिनों पहले, इसका काम भी वही है जो अब तक कैपलर का था, उसको लिख लीजिए टेस्ट को, दौरान मेरा लिखेंगे टेस्ट क्या है, टेस्ट काम आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्च हो चुका है टेस्ट आपके लिए, टेस्ट, टेस्ट का पूरा नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, टेस्ट का पूरा नाम देख रहे हैं स्क्रीन पे ऊपर आप मेरे साथ, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट्स, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 में, मार्च कह रहा माफ कीजिएगा, अप्रैल में लॉन्च किया गया था, अप्रैल 18 में लॉन्च हुआ था टेस्ट, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट्स, लॉन्च हुआ था अप्रैल 18 में। इसका उद्देश्य है लगभग 2,00,000 तारे जिनमें एक्सोप्लैनेट होने की संभावना है, जैसे सूर्य हमारा एक तारा है, ऐसे 2,00,000 तारे जहां पर एक्सोप्लैनेट हो सकते हैं उनका स्टडी करेगा ये टेस्ट, देखेंगे ये 2,00,000 तारों का अध्ययन करेगा, उनके एक्सोप्लैनेट का स्टडी करेगा, 2,00,000 तारों का अध्ययन करेगा, उनके एक्सोप्लैनेट का स्टडी, 4,000 का किया अभी केपलर ने, ऐसे ही 2,00,000 तारों का अध्ययन करेगा, उनके एक्सोप्लैनेट उनका स्टडी करेगा, तो बड़ा काम करना है टेस्ट को। इसको लॉन्च किया गया था कुछ दिनों पहले फाल्कन 9 रॉकेट से, निजी कंपनी का रॉकेट है फाल्कन 9, तो लॉन्च किया गया था इसको फाल्कन 9 रॉकेट से,
हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर है? तो ये खोज करेगा इस प्रकार के तारों की और इस प्रकार के ग्रहों की। तो टेस्ट को लॉन्च कर दिया गया है। टेस्ट के खत्म होते ही जो अगला मिशन पेंडिंग अभी से रख दिया गया है वो है डब्ल्यू फर्स्ट, उसका नाम भी लिख लीजिएगा। 2020 में डब्ल्यू फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा, 2020 में लॉन्च होगा डब्ल्यू फर्स्ट, डब्ल्यू फर्स्ट लॉन्च होगा 2020 में डब्ल्यू फर्स्ट व्हाइट फील्ड इंफ्रा सर्वे टेलीस्कोप, ये भी नासा का होगा ऑफ कोर्स, ये भी नासा का होगा। उसका काम भी क्या होगा? एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, यानी कि एक्सो प्लैनेट की खोज करना। इसका काम भी होगा एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट या एक्सो प्लैनेट की खोज करना। अभी लॉन्च हुआ नहीं है तो जब होगा तब बात करेंगे, हाल फिलहाल नहीं। तो अभी याद रखिए टेस्ट चर्चा में इस साल है और कैप्लर चर्चा में है। तो कैप्लर टेस्ट याद रखिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है। कैप्लर का मिशन खत्म हो गया है और टेस्ट का मिशन शुरू हो गया है। आगे बढ़े तो टेस्ट की कहानी